शामिल करते हैं। ओग्रा ऑर्डिनेंस की जद में आने वाले जराइम एफआईए के दायरे इख्तियार से बाहर हैं। लाहौर हाईकोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। पेट्रोल बोरान के केस में गिरफ्तार साबिक डीजी ऑयल समेत 5 मुलजिमों की रिहाई का हुक्म दे दिया गया। पेट्रोल बहरान केस में गिरफ्तार साबिक डीजी ऑयल समेत 5 मुलजिमों की रिहाई। लाहौर हाईकोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। ऑर्डिनेंस की जद में आने वाले जराइम एफआईए के दायरे इख्तियार से बाहर करा। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने 10 सफा पर मुश्तमिल फैसले में लिखा, ऑर्डिनेंस किसी भी कानून के मातहत नहीं। पेट्रोल बहरान पर मिनिस्ट्रियल कमेटी ने एफआईए को मामले की फरौन से तहकीकात का इख्तियार दिया था। एफआईए ने हिदायत पर अमल नहीं किया। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुलजिमों पर फ्रॉड या किसी को माली नुकसान पहुँचाने का कोई बराह रास्त सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिमों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के कोई शवाहद भी इकट्ठे नहीं किए। लाहौर हाईकोर्ट ने 5 मुलजिमों को 5-5 लाख रुपए के जमानती मजदूरों को एवज रिहा करने का हुक्म दिया। हुकूमत ने मुख्तलिफ कौमी बचत स्कीमों की शरह मुनाफा में कमी कर दी। पेंशनर बहबूद सेविंग रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा में बदोबदल किया गया है। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और खेल के मैदान से आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। सीरीज का